आ जाओ फटाफट। जय हिंद एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जय हिंद। लेट्स स्टार्ट द क्लास। बोलो पापा, शुरू किया जाए क्लास को। आज प्रोबेबिलिटी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लिस्ट लेकर के आए हैं। ये सेशन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, जहां पे हम वन बाय वन करके क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, हिमानी चार्ज कर लो, चार्जर के साथ बैठो। शनि, उनकी तबीयत थोड़ी नहीं सही थी आज, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। पहला क्या दिया है, क्वेश्चन दिया हुआ है। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड रुकिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन स्किप कर दो, इसमें करेक्शन है, अपडेटेड फाइल अभी लग जाएगी तो उसके बाद देखेंगे हम। यू कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, एक बार रुक जाइए, अभी अपडेटेड फाइल में लगा दूंगी तो 1 और 2 फिर से हम लोग कर लेंगे। कम टू क्वेश्चन नंबर 3। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ आता है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। क्या दिया है क्वेश्चन, यहां पे दिया हुआ है कि जस्ट अ सेकेंड। अच्छा ये बताओ, मॉक वॉक दे रहे हो, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो, चीजें कैसी चल रही हैं? संडे के मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर्ड हो? इस बार रिजल्ट भी तुम्हारा देख लेंगे, जितने ज्यादा तुम बोलते हो चीजों को कि हाँ सारी चीजें प्रिपेयर्ड हैं, एवरीथिंग प्रिपेयर्ड। मैम इस बार पेपर 4 देंगे, इस बार का रिजल्ट तुम्हें अच्छे से बताना है, ठीक है। रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर ऑल, ठीक है। देखा जाए तो अब 2 हफ्ते भी नहीं बचे हैं, बहुत कम समय है, मतलब चीजें बहुत ही प्लान और ऑर्गेनाइज तरीके से आपको करनी पड़ेंगी। चलो देखो जरा ये क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे इसने बोला है एक मैपिंग जो कि फंक्शन है, इसको कैसे सिलेक्ट किया जाए ए से ए में। 1 2 3 कितने टर्म्स है, एन। 1 2 3 एन टर्म्स। ए से ए में इसके कितने तरह से मैपिंग की जा सकती है कि प्रोबेबिलिटी वो हो कि फंक्शन 1 1 बन जाए। फंक्शन 1 1 होने का मतलब ये है कि एक एलिमेंट की केवल एक इमेज रह जाए, एक एलिमेंट की केवल एक इमेज। तो क्या करेंगे, जैसे 1 के पास n ऑप्शन है, 1 ने 1 ले लिया तो 2 के पास n-1 ऑप्शन होंगे, फिर 3 के पास n-2 ऑप्शन होंगे, और करते करते n के पास केवल एक ऑप्शन होगा। लेकिन मैपिंग क्या है, मैपिंग मतलब एक एलिमेंट कितने पे भी जा सकता है। टोटल केसेस क्या है, इसके पास n चॉइसेस है, इसके पास n चॉइसेस है, इसके भी पास n चॉइसेस हैं, यानी ये टोटल n है। ऊपर बन जाएगा n फैक्टोरियल और नीचे बनेगा n की पावर n, विच इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। किसी बच्चे का बी आया क्या, सार्थक का बी आया, वेरी गुड। कितना होगा इसका, बी ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, बी ऑप्शन। इज इट क्लियर? चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि 3 of the 6 वर्टेक्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। पहली बात तो ये समझो रेगुलर हेक्सागन क्या होता है। हेक्सागन यानी जिसके पास 6 साइड्स हो, और रेगुलर होने का मतलब ये है कि वो 6 की 6 साइड्स बराबर हो, 6 साइड्स और 6 की 6 साइड्स बराबर। अगर एक रेगुलर हेक्सागन लिया जाए तो आपसे पूछ रहा है इस बात की क्या प्रायिकता है कि उसमें से कोई भी 3 बिंदु लेने पर वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाए। कितना बन जाए, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट ये है बच्चों कि जरा देखना जरा ध्यान से, इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होगा, एक ये वाला और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा केवल ये वाला, यही दो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे। इसका मतलब टोटल दो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे। लेकिन टोटल ट्राइंगल्स हम बना कितने रख सकते हैं? हमारे पास 6 पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स से 63, 6 में से कोई भी 3 पॉइंट लेते जाएंगे, ट्राइंगल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो नीचे आएगा 2, 63 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 6 खत्म, ये 2 से कटेगा यानी 1/10 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सी एकदम करेक्ट जवाब होगा। इज इट क्लियर? भाई दो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे इन 6 पॉइंट से, और टोटल अगर ट्राइंगल देखे जाए तो बहुत सारे बन सकते हैं ट्राइंगल। 6 में से कोई भी 3 पॉइंट उठाओ, ट्राइंगल हर समय बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब दो बच्चों। यहाँ क्या पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि लीप ईयर में 53 संडे हो। लीप ईयर में कितने दिन बच जाते हैं बच्चों? लीप ईयर की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 52 वीक्स और 2 दिन बच जाते हैं, तो 2/7 यानी ऑप्शन नंबर डी। सिंपल ईयर होता तो 1/7 आता है, लीप ईयर होगा तो 2/7 आएगा। बहुत सिंपल सी बात है, कई बार हम बता चुके हैं, कई बार चीजों को प्रूव भी कर चुके हैं। तो कितना हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। एक क्लास है जिसमें 10 लड़के हैं, बॉयज कितने हैं? 10, और गर्ल्स कितनी है? 8। When 3 students are selected at random, इतने 18 लोगों में से हमें 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो नीचे कितना आ जाएगा? 18C3 आ जाएगा। अच्छा ठीक है। The probability that 2 girls and 1 boy is selected, इस बात की क्या प्रायिकता है कि 2 लड़कियां, जो 3 लोग आपने सिलेक्ट किए हैं, उसमें से 2 लड़कियां हो और 1 लड़का हो। 2 लड़कियां सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है 8C2 into 10C1, 8C2 into 10C1, 10C1 10 हो जाएगा, 8C2 कितना हो जाएगा? 56/2 यानी 28 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी 18 into 17 into 60, और 3 into 2 into 1 ऊपर चला जाएगा। तो यहां से अगर हम कैंसिल आउट करें तो 6 3s 18, और यहां से 4 से जाएगा 7, और ये 4 टाइम जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो 6 17 102 अपॉन में 102 ऊपर आएगा 35, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इस तरह का क्वेश्चन पिछली बार बहुत आता है, कमिटी बेस्ड क्वेश्चन, कैसे सिलेक्ट करें कैसे सिलेक्ट ना करें। बड़ा इजी क्वेश्चन होता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि टोटल लोग 18 है, उसमें से 3 उठाना है यानी 18C3 नीचे। लड़कियां कितनी चाहिए? 2, तो 8 में से 2 लड़कियां लेनी है और 10 में से 1 लड़का लेना है, तो 8C2 into 10C1। बात खत्म। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, ये हुई ना बात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फेयर डाइस को हमने थ्रो किया है 20 बार। कितनी बार? 20 बार। मतलब एक डाइस लिया है जिसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा है, उसको 20 बार उछाला है। The probability that on the 10th throw, 4th 6th appear, इस बात की क्या probability है कि 10th throw में 4थी बार 6 आएगा। 10th throw में 4थी बार 6 आने का मतलब है कि 9 चांसेस में, क्या बच्चों? 9 चांसेस में 3 बार 6 आ चुका होगा। 3 6s ऑलरेडी आ चुके होंगे पहले। तो कैसे सॉल्व करोगे जरा बताओ इसको ध्यान से। 3 6s अगर ऑलरेडी आ चुके हैं तो क्या करना चाहिए, कोई मुझे बताएगा? देखो 6 आने का देखना है, तो एक बात बताओ, 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 6 आने की प्रोबेबिलिटी p की वैल्यू हो जाएगी अपनी 1/6, और 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। हम चाहते हैं कि अगर हमने टोटल एक्सपेरिमेंट 9 बार किया है इससे पहले, तो उसमें से 3 बार 6 आया हो, तो यानी सक्सेस का रेट 1/6 की पावर 3 हो और 6 बार अगर हम फेल भी हो गए हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको सॉल्व करना है तो यहां से कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। सॉल्व करो, देखो ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है। यहां से आ जाएगा 9 × 8 × 7 अपॉन 6 × 3 × 2 × 1। लेट्स सॉल्व 3 × 2 × 1। यहां से आएगा 5 की पावर 6 अपॉन 6 की पावर 9, 6 की पावर 10 हो जाएगा। और ये 81 72 × 7 और कोई ऑप्शन है क्या? देखो कहीं गड़बड़ तो नहीं है। 9 × 8 × 7 क्या आ रहा है भाई? 9 में से 3 बार हमें 6 चाहिए तो 9 C 3 हो गया। और 1/सक्सेस 3 बार चाहिए, फेलियर 6 बार भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 C 3 होगी 9 × 8 × 7 3 × 2 × 1। और यहां से अगर हम देखेंगे तो 6 की पावर 10 हमें दिख रहा है। 6 की पावर अगर इसको 10 बनाएंगे तो ऊपर तो हमारा आना चाहिए 56 × 9। ये तो किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, ये तो किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। ये तो किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट। नन ऑफ द ऑप्शन मैचेस। ऊपर 84 नहीं बन रहा है ना बेटा, 84 कहां बन रहा है? 84 बनता तो बात होती। बोलो बाबा, कमेंट नहीं आ रहे, जल्दी जल्दी से फटाफट कमेंट करो। इज इट क्लियर? आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ग्रुप है जिसमें 8 लड़के हैं, 8 बॉयज एंड 3 आर गर्ल्स। और एक कमिटी है जिसमें हमें 5 लोगों को चुनना है। तो अपॉन में क्या लिखना है? 11 C 5 लिख दो, क्योंकि टोटल हमारे पास 11 लोग हैं। उसमें से हमें कितने लोगों को चुनना है? 5 को चुनना है। ठीक है, अगर ऐसा है तो यहां पे कितना आएगा? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 पर्टिकुलर गर्ल्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड। यानी कि हमारे पास टोटल ये जो 11 लोग थे उसमें से बात बोल रहा है कि यार 2 लड़कियां तो हमें इसमें से फिक्स्ड है, वो चाहिए ही चाहिए। तो क्या इन 2 को ऑलरेडी निकाल के हटा देना चाहिए? जब इंक्लूडेड वाला क्वेश्चन आता है, जो फिक्स्ड हो जाता है उसको निकाल के हटा देते हैं। बचे कितने? 9 लोग, 8 ये और 1 ये। तो 9 में से कोई भी 3 सिलेक्ट कर लिए जाए, क्योंकि ऑलवेज इंक्लूडेड वाले क्या होते हैं? जब 2 इज ऑलवेज इंक्लूडेड तो इनको निकाल दिया। बचे कितने हमारे? 9 में से कोई भी 3 सिलेक्ट कर लेंगे तो काम बन जाएगा। बच्चों बोलो, सॉल्व करो जरा, बताओ कितना आंसर आ रहा है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 8 × 7 अपॉन 3 × 2 × 1 हो जाएगा। और अपॉन में आएगा 11 × 10 × 9 × 8 × 7 अपॉन 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, ये दोनों चीजें आपस में कैंसिल हो जाएगी। 9 8 7 3 2 1 3 2 1 ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि, और उसमें भी 5 से काट दो 2 टाइम्स, 2 से कटेगा ये, तो 2/11 आएगा। 2/11 का ऑप्शन में बिल्कुल है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हाँ, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, इसीलिए तो टोटल केस लिखा। टोटल लोग कितने हैं? 11। 11 में से हमें कितने लोग सिलेक्ट करने हैं? 5। बी ऑप्शन करेक्ट। हाँ जी मनीष, रितेश, अर्जुन, टाइगर, जल्दी से बताओ क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया? राइट। Next question. 3 numbers are chosen at random from 1 to 20. The probability that they are consecutive. इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो तीनों लगातार हों। भाई तीनों लगातार कब होंगे बच्चों जरा देखो, या तो हमें मिल जाए 1 2 3, या तो मिल जाए 2 3 4, या तो मिल जाए 3 4 5, या फिर इसी तरह करते करते हमें मिल जाए 18 19 20। क्या ये 18 केसेस है? केवल और केवल कितने हैं? 18 केसेस। बट हम तो टोटल क्या होता है, टोटल हमें 3 नंबर लेने हैं, तो 20 में से कोई भी 3 नंबर ले ले, तो 18/20 C3, 18/20 C3 यानी 18/20 × 19 × 18 और × 3 × 2 × 1 कर दीजिए। 6 3 और 3 से कटेगा 6 टाइम्स। अच्छा 18 डायरेक्ट ही काट देना चाहिए था, 6 हो गया। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 से कटेगा 3 टाइम्स में और ये आ गया 10, यानी 3/190। 3/190 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 3/190। क्या हो गया? 6 वाला एक और बार बता दूं? ठीक है 6 वाला एक और बार बता देती हूँ। 6 वाले में ये कह रहा है कि हमारे पास 8 लड़के और 3 लड़कियां हैं, टोटल लोग कितने चुनने हैं? 5, तो 11 लोग हुए ना। टोटल 11 में से तो कोई भी 5 लोग चुने जा सकते हैं, तो टोटल केसेस को नीचे लिखते हैं, तो कितना हो गया 11 C 5। बट जो कंडीशन जो हम चाहते हैं कि आए उसको हम ऊपर रखते हैं, तो हमने क्या बोला, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें 2 पर्टिकुलर गर्ल्स मिले हमेशा, मतलब वो जो 2 पर्टिकुलर लड़कियां हैं वो हमेशा फिक्स्ड है कि वो होंगी ही होंगी। जब 2 लोग फिक्स्ड होते हैं तो उसको हटा के रख देते हैं बाहर, यानी बचे कितने लोग? 9 में से बचे कोई भी 3 लोग सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो गए। और इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/11। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है बेस थ्योरम का क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। एक कॉलेज में 25% बॉयज 10% लड़कियां मैथ्स पढ़ती हैं। देयर आर 60% गर्ल्स इन द कॉलेज। लड़कियां कितनी है? लड़कियों की प्रोबेबिलिटी है, लड़कियां कितनी है बच्चों? गर्ल्स है 60% यानी 60/100। तो बॉयज कितने होंगे? मैम बॉयज होंगे 40% यानी 40/100। लड़कियां जो मैथ्स पढ़ती हैं, गर्ल्स होने के बाद वो मैथ्स पढ़ती हैं, वो उनका वेटेज कितना है? 10%। और लड़के जो बॉयज होने के बाद मैथ्स पढ़ते हैं उनका कितना है? 25%। यही तो दिया है। और मैंने क्या बोला था, अगर बेस सेम होता है तो यहीं पर काट दिया जाता है। ये 100 है, 40 नहीं 100। बेस सेम होता है तो यहीं पर क्या कर दिया जाता है? कट कर दिया जाता है। अब क्या बोला है, इफ अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम। हमने मैथमेटिक्स के बच्चे को सिलेक्ट किया, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जिसको आपने सिलेक्ट किया है वो एक लड़की हो। तो क्या है यहाँ पे, यहाँ पे ये है कि मैथ्स आने के बाद इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्या हो? लड़की हो। कैसे लिखते हैं इसका फॉर्मूला? पहले इन दोनों को पलट देते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऊपर वाला ऊपर, और फिर इन दोनों को क्या करते हैं बच्चों? पलट देते हैं। फिर नीचे यही सेम गर्ल्स M/G और प्लस बॉयज और प्रोबेबिलिटी ऑफ B/G। सारी वैल्यूज आपको पता है, लिख देते हैं, निकाल लेते हैं जल्दी से फटाफट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आएगा 600, इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई करोगे तो 600 आएगा, इन दोनों को यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 1000, यानी 600/1600। 2 कट जाएगा तो यानी 6/16। दैट मीन्स 2 से काटेंगे तो 3/8 इज योर आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कैसा कहां लिखा है रितेश? 3/8 बिल्कुल सही, 3/8 बी ऑप्शन करेक्ट, 3/8 इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक डिटर्मिनेंट है जो कि सेकेंड ऑर्डर का है। डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, तो हमने बोल दिया एक सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है जिसमें एलिमेंट केवल 0 और 1 आ सकते हैं। यानी क्या क्या एलिमेंट रखने हैं? केवल 0 या 1। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि डिटर्मिनेंट पॉजिटिव हो। ध्यान से सुनिएगा, हमने एक डिटर्मिनेंट लिया जिसमें हमने रख दिया ए बी सी डी। क्या ये टू ऑर्डर का है? अगर ये डिटर्मिनेंट है तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा क्या? एडी माइनस बी सी आएगा इसका डिटर्मिनेंट, एडी माइनस बी सी। और अगर एडी माइनस बी सी आया, इसको हमें क्या रखना है? पॉजिटिव रखना है। यही तो बोला कि डिटर्मिनेंट क्या रखना है? पॉजिटिव। अब एक बात बताओ कि यहाँ पे जो एडी है वो हमेशा बीसी से बड़ा होना चाहिए और इन सब की वैल्यू या तो 1 या तो 0 हो सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकती। लेट्स इसका मतलब ए और डी को तो 1 1 होना ही पड़ेगा, इसके ऊपर और कोई कंडीशन नहीं है। ए और बी को 1 होना ही पड़ेगा और अगर ये 1 है तो इनको जो है वो 0 होना पड़ेगा, तभी ये पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। 1 माइनस 0, ये 0 कब होगा? जब बी 0 हो जाए C1 हो जाए, या C1 हो जाए B 0 हो जाए, या तो फिर दोनों 0 हो जाए। ए और डी तो फिक्स्ड है 1 1। तो क्या केवल 3 केसेस आए? केवल 3 केसेस आए और कितने में से हर एक के पास 2 2 चॉइसेस थी कि नहीं? इसके पास 0 1 हो सकता था, ये भी 0 1 हो सकता था, 0 1 0 1। यानी कि इसके पास 2 चॉइसेस, इसके पास 2 चॉइसेस, इसके पास 2 चॉइसेस, 2 चॉइसेस। मल्टीप्लाई कितना किया? 16। यानी आंसर हो गया 3/16। जय हिंद बच्चों, जय हिंद। कितना हो जाएगा? 3/16 हो जाएगा। सी आंसर बिल्कुल सही, 3/16। क्या बात है, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, जरा देखो ध्यान से। क्या दिया है? एक बॉक्स है जिसमें 9 टिकट्स हैं, जिसमें 1 से लेके 9, मतलब एक डब्बा है, उसमें 1 से लेके 9 तक टिकट भरी हुई है। 3 टिकट्स को हमने निकाला और विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब बिना प्रतिस्थापित किए, 1 निकाला बाहर रखा, मतलब अब बॉक्स में 9 बची है। फिर दूसरा 9 में से निकाला, मतलब सॉरी स्टार्टिंग में 9 ही तो है हमारे पास, पहला निकाला रख दिया, अब बॉक्स में कितना बचा? 8। फिर एक और निकाला तो बॉक्स में कितना बचा? 7। फिर 7 में से एक और निकालेंगे। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम या तो ऑड इवन ऑड निकालें या तो इवन ऑड इवन निकालें? तो एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑड इवन ऑड निकालना है या फिर प्रोबेबिलिटी इवन ऑड इवन निकालना, यही तो है। एक बात बताओ बच्चों, टोटल इवन नंबर कितने होंगे हमारे पास 1 से 9 तक? क्या 4 इवन नंबर है और ऑड नंबर क्या 5 है? 1 से 9 में टोटल इवन नंबर 4 है और ऑड नंबर 5। तो इसका मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी ऑड निकालने की कितनी होगी? 5/9। फिर अगला इवन निकालने की हो जाएगी 4/8। फिर ऑड निकालने की हो जाएगी 4/7, क्योंकि ऑड कितने रह जाएंगे? केवल 4। फिर इवन निकालने की प्रोबेबिलिटी, इवन कितने है? 4, 9 में से कोई 4 निकाले। उसके बाद बॉक्स में बचेगा 8, लेकिन ऑड निकालना, ऑड तो 5 ही रहेंगे। फिर बॉक्स में बचे 7, फिर इवन निकालना, 1 तो निकल चुका होगा, एक और क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब ये हो गया 16 × 5 80 और यहां से आ गया 20 60 हो गया और अपॉन 9 × 8 × 7 हो गया। दैट मीन्स 140 अपॉन 9 × 8 × 7 हो गया और ये 7 से कटेगा 20 टाइम्स में, 4 से काट देते हैं 5 और ये 2 टाइम्स में, यानी 5/18 आ रहा है आंसर। कहीं दिया है बच्चों 5/18? चेक करो, ये दिया ऑप्शन नंबर डी में। बोलो बेटा, फाइव बाई 18 डी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। द ऑड्स अगेंस्ट अ सर्टेन इवेंट आर इतना। कोई इवेंट होगा, हमने इवेंट को मान लिया इवन, इवन के ऑड अगेंस्ट दिया है। इवन का अगर ऑड अगेंस्ट दिया है मतलब इवन इतनी बार नहीं होता है और इतनी बार होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितना हो जाएगा? 2/7 टोटल 7 बार काम होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन 2 बार प्रोबेबिलिटी हुई है। ऑड इन फेवर ऑफ अनदर इंडिपेंडेंट इवेंट, दूसरा इवेंट है उसका ऑड्स इन फेवर दिया है, यानी हो जाएगा 6/11। और दोनों इवेंट्स कैसे हैं? इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन कैसे होती है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। इसने क्या बोला कि एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट विल हैपन, कम से कम दोनों में से कोई एक इवेंट हो, या तो दोनों हो जाए या कम से कम एक। इसका मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, एटलीस्ट वन यानी पूरा यूनिट। ये कितना आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। ये कितना हो जाएगा? 2/7। ये हो जाएगा प्लस 6/7 माइनस इसका कितना आ जाएगा? 2/7 इंटू 6/7, यानी दिस विल बिकम 14 + 42/49 माइनस 12। माइनस 12 अगर हमने इसमें से किया तो ये हो जाएगा 34/49 और 34/49। ऐसा कहीं कुछ है क्या, या बताओ कुछ गड़बड़ हो रही है? तो फोर्टी टू, 14, 12, कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा, वो 6/11 है। वेट अ सेकेंड, ये 6/11 है बच्चों, 6/11 है तो ये हो जाएगा 22 + 42/77 माइनस 12 होगा। माइनस 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 10, यानी 52/77 आएगा, क्योंकि ये कटेगा नहीं। 52/77 यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, वो 6/7 है, सॉरी नहीं, एलसीएम सही था, बस वैल्यू गलत लिखती थी। ठीक है, ऑड अगेंस्ट फेवर, ऑड्स इन फेवर, दोनों चीजें आपको पता है। अगेंस्ट वाले में क्या होगा? इतनी बार नहीं हुआ, इतनी बार हुआ है, यानी 2/7। ऑड इन फेवर 6 बार हुआ है, 5 बार कोई काम नहीं हुआ, तो टोटल 11 बार किया होगा, उसमें से होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 6, यानी आंसर होगा इसका 52/77। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पार्टी में 8 गेस्ट बुलाए गए, किसके द्वारा? हस्बैंड और वाइफ के द्वारा। दे सिट इन अ डिनर अराउंड अ राउंड टेबल, हस्बैंड वाइफ बैठे हैं इन अ राउंड टेबल। द प्रोबेबिलिटी दैट द हस्बैंड एंड वाइफ सिट टुगेदर, एक बात बताओ, टोटल लोग कितने हैं हमारे पास? हमारे पास 8 गेस्ट है प्लस हस्बैंड प्लस वाइफ, यानी टोटल 10 लोग हैं। 10 लोगों को सर्कल में बैठाने का तरीका 9 फैक्टोरियल होता है। 10 लोगों को सर्कल में बैठाने का तरीका 1 कम 9 फैक्टोरियल होता है। लेकिन इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि हस्बैंड वाइफ साथ में बैठे? अगर हस्बैंड वाइफ साथ में बैठेंगे तो ये 1 पर्सन हो जाएगा, और अगर ये 1 पर्सन हो जाएगा तो टोटल लोग 8 हो जाएंगे। टोटल लोगों का 8 फैक्टोरियल इनटू, लेकिन हस्बैंड वाइफ का अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल, हस्बैंड वाइफ, वाइफ हस्बैंड। 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2/9 बचेगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी। हस्बैंड वाइफ साथ हो गए तो 9 लोग हो गए। 9 लोगों को सर्कल में बैठाने का तरीका 8 फैक्टोरियल, लेकिन हस्बैंड वाइफ का अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल से करोगे कि नहीं? नो सार्थक, 2/9 आएगा, 2/7 नहीं आएगा। 7 क्यों आएगा? विमल सही करो, बी ऑप्शन करेक्ट, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। पहली बार तो इसको समझते हैं ये क्या है। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बाय बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। सबको पता है यानी ये जो होता है ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कि दिया हुआ है हमें 0.5 प्लस 0.4 माइनस 0.3, तो ये आ गया 0.6। तो यहां रख देते हैं वैल्यू 1 माइनस 0.6 अपॉन 1 माइनस 0.4, यानी ऊपर जो आएगा वो आएगा, यहां देखना ऊपर क्या आएगा 0.4, नीचे आएगा 0.6, यानी आएगा 2/3, यानी सी ऑप्शन करेक्ट। इज इट क्लियर बच्चों? सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। गुड। क्वेश्चन नंबर 14, ऑनलाइन में जिसको एडमिशन लेना है अभी अवेलेबल है सीट्स, तो यू कैन टेक एडमिशंस, राइट। 2 डाइसेस आर थ्रोन वंस, 2 डाइस को हमने एक साथ उछाला। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर एट द फर्स्ट और अ टोटल ऑफ 8, या तो पहली डाइस में इवन आ जाए या तो सम जो हो वो कितना हो 8 हो जाए। इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है पहली डाइस में? जैसे 2 1 2 2 और ऐसे करते करते 2 6, या तो फिर 4 1 4 2 ऐसे करते करते कितना 4 6, या तो 6 1 6 2 और ऐसे करते करते 6 6, यानी इवन आने के टोटल 18 केसेस है। सम 8 कितनी बार आता है? सम 8 आएगा या तो 1 2 6 आ जाए, 6 2 आ जाए, या तो आपका 3 5 आ जाए, 5 3 आ जाए, या तो फिर 4 4 आ जाए। ये 5 केसेस हैं, लेकिन आप बताओ कुछ तो कॉमन होंगे, ये दोनों ये 3 तो कॉमन होंगे, यानी हम क्या करें 18 + 5 - 3, क्योंकि 3 कॉमन है, अपॉन टोटल कितना होगा सैंपल स्पेस 36, यानी ये हो जाएगा 20/36, यानी आएगा 5/9, विच इज ऑप्शन नंबर डी। 14 का डी बोला या तो इवन आ जाए या तो सम 8 आ जाए। इवन आने के 18 केस, सम आने के 5, दोनों में 3 केसेस कॉमन है, तो 3 केसेस को निकालना पड़ेगा, यानी टोटल केसेस हमारे 20 हैं, तो 5/9। इज इट क्लियर? ओके फाइन, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कुछ इंफॉर्मेशन बी दिया है, एक ये वैल्यू दी है, एक ये वैल्यू दी है। ये 2017 का सवाल है, जरा देखिएगा। ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है, देखना जरा डायग्राम बना रही हूं मैं। डायग्राम अगर हम बनाए, हमें बी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बी पे ही फोकस करेंगे, थोड़ा सा और बड़ा बनाना पड़ेगा और छोटा डायग्राम। ये ए, ये बी और ये सी, ए बी और सी, नामकरण करते हैं इनके। ये वाला बी में है, मतलब इस एरिया का नाम क्या है? ए में नहीं है, बी में है, लेकिन सी में नहीं, ऐसे ही लिखा रखा है। इसका क्या है? ए में है, बी में भी है, लेकिन सी में नहीं है। ये एरिया क्या है? ए में नहीं है, बी में है, लेकिन सी में है। ये एरिया ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है। इसने बोला कि टोटल बी कितना है? 3/4 है टोटल बी, यानी 3/4 अपने को दिया है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, यानी ये वाला एरिया दिया है अपने को 1/3, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी सी कॉम्प्लीमेंट ये वाला एरिया दिया है 1/3। हमसे पूछ रहा है बी इंटरसेक्शन सी। बच्चों क्या बी इंटरसेक्शन सी यही है? बी इंटरसेक्शन सी यही है, बी इंटरसेक्शन सी यही है, तो बी में से टोटल बी में से ये वाला और ये वाला एरिया निकाल दे, यानी टोटल बी कितना है 3/4, उसमें से 1/3 और 1/3 निकाल दे, तो अपने को ये वाला एरिया निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? कितना हो जाएगा? ये 2/3 आ जाएगा, यानी कि 9 - 8/12, यानी ऑप्शन आ जाएगा 1/12, which is option number A. वन बाई 12 यानी ऑप्शन नंबर ए, 1/12 बिल्कुल सही, वेरी गुड। 1/9 नहीं, 1/12 विमल, अर्जुन, शनि, अभय, पायल, वेरी गुड, ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने बोला एक बोल्ट फैक्ट्री, जैसे नट बोल्ट होते हैं ना उस तरह बोल्ट फैक्ट्री, बोल्ट फैक्ट्री में किया क्या, मशीन है हमारे पास XYZ जो कि बोल्ट्स का मैन्युफैक्चर करती है इस अनुपात में, यानी कि बोल्ट X फैक्ट्री बनाई, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, X से बनने की प्रोबेबिलिटी है 25% यानी 20/100, Y से बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है 35/100 और Z से बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है 40/100, ठीक है। द फैक्ट्रीज टोटल आउटपुट, द मशीन XYZ इतना डिफेक्टिव बनाती है, यानी कि बोल्ट डिफेक्टिव बने X से उसकी प्रोबेबिलिटी 2/100 है, बोल्ट डिफेक्टिव बने Y से उसकी प्रोबेबिलिटी 4/100 है और बोल्ट डिफेक्टिव बने Z से इसकी प्रोबेबिलिटी 5/100 है, ठीक है बच्चा, इतना दिया हुआ है। अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, हमने एक प्रोडक्ट निकाला और देखा कि अरे ये तो डिफेक्टिव निकला, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि वो मशीन X है, क्या बेस थ्योरम है, यानी कि डिफेक्टिव आने के बाद वो ये पता करना कि X से निकला हो। तो मैंने क्या सिखाया है, डायरेक्ट लिखना, मैंने बोला देखो जिसका भी उल्टा दिखे, यहाँ पे पहली बात तो 100 100 काट देते हैं क्योंकि सबके बेस सेम है, 100 100 काट दिए। अब इसका उल्टा मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट ऊपर जाएगा, बाद में सबका प्रोडक्ट का सम नीचे, यानी ये हो जाएगा 50 प्लस ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 140 और प्लस ये हो जाएगा 200, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 50/190 इसमें ऐड होगा तो 390 आ जाएगा, यानी ऑप्शन आएगा 5/39, ऑप्शन नंबर ए, 5/39 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 डाइस को हमने थ्रो किया है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, द सम ऑफ द 2 फेसेस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, यानी जो सम आए वो 4 या 4 से ज्यादा आए, तो कैसे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सम कितनी बार लिखते हैं देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, यानी सम 4 या 4 से बड़ा, तो हम करें 1 में से माइनस कर दें, सम लेस देन 4 तो आ जाएगा 4 या 4 से बढ़ेगी, तो 1 - 4 से छोटे 3 केसेस में आ रहे हैं और क्योंकि 2 डाइस है तो सैंपल स्पेस 36 होगा तो 1/12 हो जाएगा, 1 - 1/12 यानी ऑप्शन होगा 11/12, 11/12 बिल्कुल सही। नहीं कहाँ टाइम लग रहा है बेटा, हाँ 33/36 दैट इज 11/12 है ना, ओके वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, 7 अनबाइज्ड कॉइन, यानी 7 हमारे पास 7 सिक्के हैं, उनको हमने 128 बार टॉस किया, 7 सिक्के लिए और 128 बार क्या किया, उनको टॉस करते चले गए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 है, मतलब जब हम टॉस कर रहे हैं उसमें से कम 3 बार हेड आए, यार जो एक केस में एक्सपेरिमेंट में होगा वही 128 बार होगा, हम एक बार निकाल लेते हैं उसको 128 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमने बोला यार देखो 128 और क्या करें टोटल में से माइनस कर दें, लेस मतलब लेस देन 3 हेड, 3 से कम हेड आए, 3 से कम हेड कब आएगा जब 1 में से माइनस करेंगे, या तो हेड 0 बार आया हो, हेड 1 बार आया हो या तो हेड दो बार आया हो, यही होगा। अच्छा, यहाँ पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और फेलियर की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और यहाँ पे 7 पॉइंट्स है तो n का काम 7 करेगा। यहाँ लिखेंगे 128 1 माइनस, यहाँ आ जाएगा 7C0 1/2 का पावर 7, जब p और q सेम होता है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं 1/2 का पावर 7 माइनस, मतलब ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस 7C1 1/2 का पावर फिर से 7 प्लस 7C2 1/2 का पावर 7, और इसको सॉल्व कर लेना बेटा 99। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ से 7 आएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 2 की पावर 7 कॉमन आएगा, मतलब यहाँ पे वैल्यू बनेगी 128, ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 1 प्लस 7, और 7C2 कितना होता है, 7C2 आपका हो जाएगा 21 अपॉन 2 की पावर 7 यानी 128 ये आएगा, यानी 128 1 माइनस, यहाँ से कितना आ जाएगा ये 8 हो जाएगा 29 हो जाएगा, 29 अपॉन 128, 128 जब माइनस करोगे तो 99 अपॉन 128 और इंटू 128 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन 99 आएगा। कोई नहीं बेटा, कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखो, क्वेश्चन नंबर बी, इसने क्या बोला कि अगर ए बी का सबसेट है तो इनमें से कौन सी बात सही है। अगर ए बी का सबसेट है यानी कि ए बी के अंदर है, ए बी के अंदर है तो कौन सा सही नहीं है इसने पूछा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए जो है वो बी के अंदर है, ए और बी का कॉम्प्लीमेंट बाहर होगा, बिल्कुल इनका इंटरसेक्शन 0 होगा, एकदम सही लिखा है, ए ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ए बाई बी क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और क्या ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही होगा क्योंकि ए बी का सबसेट है, यानी बी ऑप्शन भी करेक्ट लिखा है। सी ऑप्शन चेक करते हैं, प्रोबेबिलिटी बी बाई ए, प्रोबेबिलिटी बी बाई ए यानी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा, जब ए बी का सबसेट है तो दोनों के इंटरसेक्शन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही आएगा अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये तो 1 आना चाहिए लेकिन यहाँ गलत लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जो गलत है वही हमारा सही आंसर है, जो गलत है वही हमारा सही आंसर है, इसका मतलब यह है कि सी ऑप्शन गलत है, इसीलिए हमारा सही आंसर है। इसने पूछा कौन सी बात गलत है। क्या पूछा, कौन सी बात गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने बोला 3 इंडिपेंडेंट इवेंट A1 A2 A3 इनके होने की प्रोबेबिलिटी, अगर हम प्रोबेबिलिटी ए आई की जगह 1 रखें, आई की जगह 1 रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, आई की जगह 2 रखेंगे तो 1/3 हो जाएगा, और आई की जगह 3 रखेंगे तो 1/4 हो जाएगा। एटलीस्ट वन में हमेशा उल्टा सोचते हैं, यानी 1 माइनस ना तो ए हो ना 1 माइनस ना तो ए हो ना तो बी हो और ना तो सी हो, तीनों नहीं होंगे तो कभी ना कभी तीनों होंगे, एटलीस्ट 1 आ जाएगा। 1 माइनस ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, बी के नहीं होने की 2/3 और सी के नहीं होने की 3/4, ये कट गया, यानी आंसर होगा 3/4 विच इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा होगा, सी वाला आपका एकदम करेक्ट जवाब इसमें होगा। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे के 5 सवाल आपको मिलेंगे होमवर्क, जैसे क्वेश्चन नंबर 21 बुक्स, जिसको चाहिए कि बुक्स हाँ मैम एक रिसोर्सेज हो जिससे हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमारी पूरी पढ़ाई हो जाए, तो बुक्स जरूर ऑर्डर कर लो, बुक्स बहुत जरूरी है इस प्रिपरेशन के लिए, बहुत ही रिसर्च करके एनडीए ओरिएंटेड बुक्स बनाइए, तो इसको जरूर फॉलो अप करो। ये क्वेश्चन नंबर 21, इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका जवाब चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी गलतियां होने की उम्मीद है, इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 22 को फिर से सॉल्व करिएगा, इसका भी कमेंट सेक्शन में जवाब चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी जवाब चाहिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 ये वाला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 25 ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, बिफोर लिविंग द क्लास प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक द सेशन, एवरीवन लाइक द सेशन, डेफिनेटली यू शुड मतलब इतनी मेहनत करता है टीचर आपके पीछे, ये तो आपको कमेंट और लाइक तो ये तो आपका बनता ही है ना, ये तो बिना बोले करना चाहिए, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, आज क्लास को यहीं रोकते हैं, कल फिर आपसे मिलेंगे कुछ और बेहतरीन चीजों के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर बच्चों, ठीक है। चलो।